हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और मैं नहा के आ चुकी हूँ। सुबह का वर्क मैंने फिनिश कर लिया है, तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़े अपने बाल बना लेती हूँ। सुबह का समय है और आज बादल हो रहे हैं, इसलिए जो है सब तरफ से अंधेरा सा छाया हुआ है, धूप नहीं निकल रही है आज। चलिए तो अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि नीचे अब हमें क्या काम करना है। तो सबसे पहले हम नीचे आकर थोड़ा पूजा पाठ करेंगे। सुबह की शुरुआत भगवान के स्मरण के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, तो चलिए चलते हैं। तो आजकल लोग जन्मदिन भी घर में ही मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। इससे आम जनजीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। सभी तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। जन्मदिन आजकल लोग घर में ही मनाते हैं। ऐसे में अगर जन्मदिन हमारे यहाँ आज हस्बैंड का जन्मदिन है, तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ ना मना के घर में ही जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो देखिए मैंने कुछ टिप्स अपनाए हैं। इन टिप्स के साथ आप जन्मदिन मना सकते हैं और अपने जन्मदिन को यादगार बना सकते हैं। वैसे तो लोग लॉकडाउन में जन्मदिन मनाने के लिए वीडियो कॉल का सहारा लेते हैं। आप दोस्तों को स्काइप, गूगल हैंग आउट के जरिए जोड़ सकते हैं, साथ ही आप जूम का भी यूज कर सकते हैं। आप पार्टी के दिन ऑनलाइन दोस्तों के साथ अंताक्षरी, वर्ड पजल, क्रॉसवर्ड आदि खेल सकते हैं। इसके साथ ही आप क्विज भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपने दोस्तों के लिए लास्ट पार्टी के सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए जन्मदिन मनाने की शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चे एक एक करके केक खा लेते हैं। बच्चे घर पर ही हैं, तो बच्चों के साथ बर्थडे मनाना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत कम समय ऐसा होता है जब बच्चे घर पे होते हैं। आजकल लॉकडाउन में बच्चे घर पे ही हैं, तो उनके साथ हम ये बर्थडे मनाते हैं।
बर्थडे हमने मना लिया है, तो चलिए अब कुछ खा लेते हैं, तो डिनर हो जाना चाहिए। सबसे पहले हमने दही को परोस लिया। और इसमें अब हम थोड़ा सा बूरा डालते हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है। यूपी में दही में बूरा डालकर खाया जाता है, विशेष मौक़ों पे अवश्य खाना चाहिए। इसके साथ ही हम यहाँ सब्जी परोस लेते हैं। सब्जियां परोस के थाली में लगा ली हैं। इसके साथ ही हमने पूरियां रख ली हैं। आज हमने पूरियों की रेसिपी को सेक के नहीं दिखा पाए हैं, क्योंकि ब्लॉग हमें छोटा ही रखना है, तो इसलिए। और एक पापड़ रख लिया है। और ये देखिए थाली बिल्कुल तैयार हो गई। तो चलिए डिनर का आनंद लेते हैं और बर्थडे मनाते हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।